लास्ट लेक्चर में हमने आउटपुट इक्वेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर जिसका हमने केवीए इक्वेशन देखा था, और आज हम लोग टॉपिक में आउटपुट इक्वेशन वोल्ट पर टर्न ये देखने वाले हैं। ओके, सो ट्रांसफार्मर के डिजाइन की जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो हमें ईएमएफ पर टर्न की वैल्यू को अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करनी पड़ती है, ताकि उसकी डिजाइनिंग जो है और जिस पर्पज के लिए हम ट्रांसफार्मर की डिजाइन कर रहे हैं वो फुलफिल हो सके। इसीलिए हम लोग को ईएमएफ पर टर्न का इक्वेशन डेवलप करना पड़ता है, जिस जो रिलेट करता है उसके आउटपुट केवीए से, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक लोडिंग से। ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और इलेक्ट्रिकल लोडिंग इन दोनों का क्या करते हैं, रेशियो करते हैं, रेशियो लेते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रादर देन उसका स्पेसिफिक लोडिंग्स की अलग अलग वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग वोल्ट पर टर्न का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ जेडी स्टडीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इनका रेशियो लेंगे। तो रेशियो क्या कहता है, लेट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक लोडिंग जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और वो रेशियो अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, फाइव एम डिवाइड बाई ए टी। ठीक है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग क्या होती है और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग क्या होती है, ये हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर वो किसी ने लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगी कि ये रेशियो किस तरीके से आया है। ओके, नाउ वोल्ट एम्पियर पर फेज हमको ट्रांसफार्मर का गिवन होता है बाय दी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट पर फेज। मतलब हम लोग केवीए पर जो केवीए पर फेज का इक्वेशन लिखते हैं वही है। केवीए पर फेज क्या कहता है, केवीए पर फेज जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है, वीपी आईपी मल्टीप्लाई बाय 10^-3। ठीक है, वी प्राइमरी और आई प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय 10^-3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वीपी की जगह ईपी लिख सकते हैं। ये क्यों किया हमने, हमने ये लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि वी और ई हमारा दोनों सेम होता है। ठीक है, इसलिए ईपी आईपी अपॉन ईपी आईपी मल्टीप्लाई बाय 10^-3 लिख सकते हैं। नाउ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या कहता है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहता है 4.44 एफ फाइव एम इंटू टीपी। ठीक है, प्राइमरी इसलिए यहाँ पे टीपी लगाया हमने, मल्टीप्लाई बाय आईपी तो है ही है हमारे पास, और 10^-3 ये कहां से आया, ये हमने ईपी की वैल्यू लिखी। ठीक है, यानी ईएमएफ की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होती है, 4.44 एफ फाइव टी ये होती है, इसीलिए ईएमएफ की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी सिंपल। नाउ ये है आपका टीपीआईपी, ये टीपीआईपी क्या है, ये आपका एम्पियर टर्न है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 4.44 एफ फाइव एम, टीपीआईपी की जगह आप एम्पियर टर्न लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10^-3। नाउ ये जो हमारा रेशियो था, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर वन अगर हम लोग इसे देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन हम लोग ये जो क्यू की वैल्यू आई, यहाँ पे हम लोग एटी की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमारे पास एटी की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर वन 4.44 एफ फाइव एम डिवाइडेड बाय आर, और पहले से ही फाइव एम तो था ही हमारे पास, इंटू 10^-3। ठीक है, ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग। तो यहां से हमारे पास क्यू की क्या वैल्यू आई, 4.44 एफ फाइव एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 10^-3। तो अगर हम लोग फाइव एम स्क्वायर को अगर आधार बनाते हैं तो फाइव एम स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 4.44 एफ मल्टीप्लाई बाय 10^-3।
थ्री, ठीक है। तो 10^-3 को ऊपर ले जाएंगे और हम यहां से फाइव एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई बाय 10^3 डिवाइडेड बाय 4.44 इंटू एफ। ये आ गई हमारे पास फाइव एम की वैल्यू। तो हमको इसको इक्वेशन नंबर दो दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ई एम एफ पर टर्न क्या होता है। ई एम एफ पर टर्न यानी वी नो दैट EMF per turn, E by T क्या होता है, E by T होता है आपका 4.44 F into 5M, हमको पता है ये। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यही देखा था कि E by T आपका क्या है, EMF per turn है। तो हम लोग अगर इसको इक्वेशन नंबर तीन देते हैं और अब इक्वेशन नंबर दो को इक्वेशन नंबर तीन के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर टू इंटू इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ पर टर्न यानी ईटी, ईटी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4.44 एफ, फाइव एम की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्यू आर 10^3 डिवाइडेड बाय 4.44 एफ, ओके। सो इसको अगर हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, हम लोग अब यहाँ पे Q की वैल्यू रख सकते हैं, सॉरी Q की वैल्यू नहीं, हमें स्मॉल r की वैल्यू रखनी है, ठीक है। स्मॉल r की वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनने वाला है, 4.44 अंडर रूट ऑफ 4.44 एफ इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 10^-3 और इसके अलावा अंडर रूट ऑफ क्यू बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसको के डिनोट के मान लेते हैं कि ये आपकी के है, तो के अंडर रूट क्यू, जहां पे आपका के क्या है, अंडर रूट ऑफ 4.44 एफ आर मल्टीप्लाई बाय 10^3, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया, ये आया हमारा ईटी का इक्वेशन, ईटी का इक्वेशन जिसको हमने इक्वेशन नंबर फोर दिया है। तो ये जो इक्वेशन नंबर फोर है, ये इक्वेशन नंबर फोर से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ पर टर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वैल्यू के, वैल्यू के के, और जो वैल्यू के है उस के की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है टाइप और सर्विस कंडीशन और ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के मेथड पे, ठीक है। तो यहाँ पे के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, जिसको हम लोग अभी यहाँ पे मैं एक आपके लिए टेबल बना रहा हूँ जहाँ पे आपको के की वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए के मैं यहाँ पे आपको टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ ट्रांसफार्मर टाइप, देन यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ के की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारा सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर है तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, उसकी के की वैल्यू होगी 1.0 से लेके 1.2 के बीच में, ओके। नाउ दूसरा है सिंगल फेज कोर टाइप, सिंगल फेस कोर टाइप अगर ट्रांसफार्मर है आपका तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, की 0.75 से 0.85 के बीच में, ओके। देन थ्री फेस शेल टाइप, ठीक है, थ्री फेस शेल टाइप अगर ट्रांसफार्मर है आपका तो उसकी के की वैल्यू क्या होगी, 1.3, ये फिक्स्ड है, ओके। थ्री फेस कोर टाइप, ये आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है अगर, तो उसमें के की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी 0.45। और लास्ट में अगर आपका थ्री फेज कोर टाइप लेकिन पावर ट्रांसफार्मर है अगर,
पावर ट्रांसफार्मर, तो उसकी के की वैल्यू 0.7 से सॉरी 0.6 से 0.7 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये था ट्रांसफार्मर के टाइप्स डिफरेंट और उसके लिए के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो हम लोग ईएमएफ पर टर्न के इक्वेशन में यहाँ पे रख के हम लोग उसका ईएमएफ पर टर्न का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद हमारा टॉपिक है रेशियो ऑफ आयरन लॉस टू कॉपर लॉस, यानी लॉसेस के भी रेशियो फाइंड आउट करना हमारे लिए जरूरी है। तो वो भी टॉपिक हम लोग आज इसी लेक्चर में कवर अप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ आयरन लॉस टू कॉपर लॉस। ओके, तो रेशियो ऑफ आयरन लॉस टू कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, आयरन लॉस आपका पीआई है और कॉपर लॉस है आपका पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉस का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास क्या है, स्मॉल पीआई कैपिटल जी आई अपॉन स्मॉल पीसी इंटू जी सी, जहां पे आपका वेयर जी आई क्या है आपका वेट ऑफ एक्टिव आयरन, केजी के अंदर होगा इसका यूनिट। जीसी, जीसी क्या है आपका वेट ऑफ कॉपर, ये भी आपका किलोग्राम में होगा। देन स्मॉल पीआई क्या है आपका, स्मॉल पीआई, ठीक है, मैं स्मॉल पी आई ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, स्मॉल पी क्या है आपका लॉस इन आयरन पर केजी, देन स्मॉल पी सी ये क्या है आपका लॉस इन कॉपर पर केजी, पर केजी। ठीक है, तो जो रेशियो ऑफ वेट ऑफ आयरन टू वेट ऑफ कॉपर होता है जनरली आपका 1.5 से लेके 3 के बीच में लाई करता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कोर एरिया और वेट आयरन, वेट ऑफ आयरन एंड कॉपर, इसके बीच का रिलेशन है जो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको डायरेक्टली उसको ध्यान रखना है। तो इसी स्लाइड में मैं लिख देता हूँ, नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोर एरिया एंड वेट ऑफ आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो यहां पे आपको एरिया ऑफ कोर क्या है कहलाएगा, एरिया ऑफ कोर, एरिया ऑफ कोर आपका ए आई से डिनोट होगा, जिसको हम लोग याद रखेंगे डायरेक्टली क्यू इंटू जी आई अपॉन एफ बी एम जी सी। ठीक है, ये रिलेशन हमें डायरेक्टली याद रखना है, रिलेशन बिटवीन कोर एरिया एंड वेट ऑफ आयरन एंड कॉपर। ओके, तो इसी के साथ ही आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे कवर अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक ऑप्टिमम डिजाइन। ओके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।